अमृतसर तो सामने आ रही है जिथे सत्कार कमेटी वालों एक घर छापा मारिया जाता है जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप को सजाया गया है। जो कमेटी उत्थे पहुँचती है तो हैरान हो जाती है जिस घर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप को सजाया गया उस घर की रसोई के अंडिया की प्लेट मिलती है जो मर्यादा के खिलाफ है। जेकर तुसी अपने घर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप को सजाया हो तो घर अंडा मीट शराब नहीं लिया सकते, मर्यादा के खिलाफ मनिया जाता है। तो जो सत्कार कमेटी वालों छापा मारिया जाता है तो घर की रसोई के अजिही चीज़ पाई जाती है जिसनों देख के सब दे होश उड़ जाते हैं। रहत मर्यादा के खिलाफ इस परिवार वालों कदम चक्या जाता है, भावनावां नूं ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई है। तस्वीर तुहानूं दिखावांगे अमृतसर के तरन तारण के बाबा बुढ़ा इलाके दीआं तस्वीर ने एक घर जो अचनचेत छापा मारिया जाता है सत्कार कमेटी वालों तो उस घर की रसोई के अंडिया की प्लेट पाई जाती है उस घर जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को सजाया जाता है। तो तस्वीर साढ़े तक पहुंचिया ने, वीडियो बनाई जाती है सत्कार कमेटी वालों और तस्वीर साढ़े तक पहुंचिया ने, थानू दिखावांगे। उस घर की महिला के नाल भी गलबात करन की कोशिश की जाती है, कारण पता करन की कोशिश की जाती कि आखिर मर्यादा के खिलाफ अजिहा कदम क्यों चक्या गया। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप जिस घर सजाया गया होवे उस घर आंडा मीट शराब रखने की मनाही होंगी है और इसके बाबत ये रखा जाता है। तो सत्कार कमेटी जो छापा मारती है तो कारण पता करन की कोशिश की जाती और पूरे रहत मर्यादा के नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप उतों गुरद्वारा साहिब ले जाया जाता है। तो घर तो लैके श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप गुरद्वारा साहिब के ले जाया जाता है। तस्वीर साढ़े तक पहुँचिया ने और की गलबात हुई कि कारण सामने आए आंडिया की प्लेट आखिर उस घर क्यों रखी गई सी, मर्यादा के खिलाफ अजिहा कदम क्यों चक्या गया। थानू एक बार तस्वीर दिखाते और उस महिला ने की मीट कदों बनता? मीट ऐतवार अभी हुण शुरू कीता, एक दो हफ्ते होए भी डॉक्टर कहिंदा भी ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਟ ਐਤਵਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੀਟ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅੰਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਖਰਾਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਨਾ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੀ ਛੱਡੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਿਤੇ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਕਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਲੀਵਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਏ ਬੜੇ ਪੇਟੀਆਂ